वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल हैशटैग पहाड़े नौकरी, जहाँ पर आपको नौकरियों के अलावा एजुकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो गाइज, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ऑलरेडी अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर क्या कहना, कहने की कोई बात ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में वैकेंसी निकली, कहाँ पर? SSB, ठीक है। कौन सी? सहस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम। इसमें कैसी कौन सी वैकेंसी किस कैटेगरी की निकली है आपको हम डिटेल में बताएंगे, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों की निकली है, ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल दोनों की ऑनलाइन वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट कमांडेंट कम्युनिकेशंस की, ठीक है। ग्रुप ए की वैकेंसी है सहस्त्र सीमा बल SSB की, ठीक है। ये टेरिटोरियल ऑफ इंडिया के तहत आती है, तो सारा रूल एंड रेगुलेशन मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो क्या पोस्ट का नाम? पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट कम्युनिकेशन की, 500 जनरल के लिए एक EWS, 2 OBC, 1 SC, 1 एक्स सर्विसमैन, यानी कुल मिलाकर 10 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसीज है, पे स्किल, इसका जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो ऑनलाइन करना है, ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन, आजकल सारे फॉर्म ऑनलाइन है, ऑफलाइन लगभग समाप्ति हो गए हैं, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, कम्युनिकेशंस की लेवल 10 की है, और जो पे स्केल्स है 56,100 से लेकर 11,77,500, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है यार, तैयारी करिए आप, ठीक है। अदर अलाउंस भी इसमें सब एप्लीकेबल हैं, लाइक HRNs, DRNs और सारी कुछ भी। अब चलते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की तरफ। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको ध्यान से सुनिएगा कि जो आपकी सबसे पहले एज है वो मैक्सिमम 35 होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अदर जो रूल्स हैं पर गवर्नमेंट के अनुसार ही एप्लीकेबल होंगे, 3 ईयर 5 ईयर जो भी आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इन टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिग्री इन टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास, या फिर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एसोसिएट मेंबर, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपने टेली कम्युनिकेशन में भी इंजीनियरिंग की है तो उसके लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है, अगर आप इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इसमें अगर आपने की है तो वो भी एलिजिबल हैं, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री ली है तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल, इफ़ यू आर MSc यू आर ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप मैक्सिमम डेट है जो है एज सॉरी 35 है, बाकी अदर गवर्नमेंट्स रूल्स के अनुसार है, ठीक है। जो लास्ट डेट फॉर्म भरने की, द लास्ट डेट रिसीव एप्लीकेशन इज 30 डेज फ्रॉम द फॉर्म पब्लिश्ड, ठीक है। और ऑलरेडी हमने इसको एज के बारे में बता दिया है, बाकी आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये आपके स्क्रीन पर चल रही है सारी डिटेल्स, ओके फ्रेंड्स। तो और इसमें डिटेल्स में हम आपके जाएंगे एग्जामिनेशन एंड फी का मोड। जो फीस होगी अनरिजर्व और EWS और OBC के लिए 400 रुपया होगी, ठीक है, और अदर के लिए हाउएवर SC ST एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट एग्जामिनेशन फॉर्म भी फीस से छूट दी जाती है। अब अप्लाई आपको किस तरह से करना है मैं आपको बता दूं, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल। जो ध्यान दीजिएगा, आजकल बहुत फेक वेबसाइट आ रही है तो इनसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी रेलवे RPF की एक फेक वेबसाइट न्यूज वायरल हो रही थी, लेकिन ये प्योर एंड 100% है। कैसे करना है आपको, www.ssbrect.gov.in पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे पार्ट वन के सेक्शन में आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज इस तरह से वहाँ पे सेक्शन मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको पार्ट वन फिल करना है। पार्ट वन में आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है जो आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल में आए, पार्ट वन फिल करने के बाद आपको पार्ट टू में आपके फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और पार्ट थर्ड में मोड ऑफ पेमेंट है, जहाँ पर आप ऑनलाइन या फिर डेबिट कार्ड या इससे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ कैंडिडेट कोई भी एक आपको अपना, अगर आप उससे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी ऑनलाइन माध्यम से ही दिया जाएगा, और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी रिटन एग्ज़ाम के आधार पर होगी, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन
काम मैं आपको सिलेबस भी बता दूँ, MCQs होंगे 200 मार्क्स के होंगे, 2 आवर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंग्लिश कम्युनिकेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग अवेलेबिलिटी आएगी, और जो पेपर 2 होगा वो होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो तैयारी कीजिएगा, और इसमें जो अगर आप जनरल में या OBC में आते हैं तो 45, अदर के लिए 50 क्वालिफिकेशन मार्क्स 45 हैं इन ईच पेपर, 50% एग्रीगेट आपको लाने हैं। हाउएवर अदर कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40 या 45 लाने हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए आपकी हाइट के अनुसार, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यार ये सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बता दी है, बाकी मैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। बाकी आपको अगर कोई क्वेरीज होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाइए, सारी डिटेल मैं आपको वहां पर दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।